दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ फेमस ब्रांड के नॉन स्टिक वर्सेज स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर। आपको सबसे पहले मैं प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो सबसे नीचे वाला प्रोडक्ट है ये है हॉकिंस का नॉन स्टिक प्रेशर कुकर, जिसकी कैपेसिटी है 3.5 लीटर। और वहीं जो सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं ये है हॉकिंस का स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर, जिसकी कैपेसिटी 3 लीटर है। इसमें आपको अपनी डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूं इन पे बहुत सारे टेस्ट, और इसमें मैं करने वाला हूं फूड को भी कुक, और उसके बाद देखेंगे कि इनके बॉडी पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा, और बताऊंगा आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूं इसकी अनबॉक्सिंग। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इनमें से किसी का भी प्राइस चेक करना है तो मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया, वहां से आप प्राइस चेक कर सकते हो। सबसे पहले नॉन स्टिक प्रेशर कुकर को अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के अंदर एक मैनुअल मिलता है और फिर ये स्टील का ढक्कन, और ये है प्रेशर कुकर जो काफी ज्यादा हाई फिनिशिंग के साथ है। और अब स्टेनलेस स्टील के प्रेशर कुकर को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके अंदर भी एक मैनुअल दिया है, ये है स्टील का ढक्कन और ये है प्रेशर कुकर, जिसकी आउटर सरफेस शाइन फिनिशिंग के साथ है और अंदर की जो सरफेस है वो मैट फिनिशिंग के साथ है। इन दोनों ही प्रेशर कुकर के साथ हाई क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की सीटी मिलती है। अब बात करते हैं दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो ये बना हुआ है प्योर स्टेनलेस स्टील का, बट इसकी जो बॉटम लेयर है वो है मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील, जिसमें आयरन का यूज किया गया है। आयरन का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये और भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये जो नॉन स्टिक है ये बना हुआ है एल्यूमिनियम से। स्टेनलेस स्टील में आपको 5.8 mm का एक्स्ट्रा थिकनेस वाला बेस दिया गया है, जिससे अगर आप इसका यूज करते हैं गैस या इंडक्शन पर इजिली खाने को जलाएगा नहीं। जो इसकी बॉटम लेयर है बिल्कुल आप देख सकते हैं फ्लैट में है, तो टेम्परेचर ओवरऑल हर जगह मेंटेन रहेगा। और वहीं पर बात की जाए नॉन स्टिक में आपको कोई भी एक्स्ट्रा थिकनेस नहीं दी गई है, फ्लैट है बिल्कुल, देख सकते हैं। इसमें कोटिंग की गई है वो है PFOA फ्री, इसका मतलब होता है पर फ्लोरोइन ऑक्टोनिक एसिड, ये एक टॉक्सिक केमिकल होता है, ये इससे फ्री है। अगर आप लोकल ब्रांड का लेते हैं तो वो PFOA फ्री नहीं होता। तो जब भी आप ले तो ब्रांडेड ले नॉन स्टिक। और बात की जाए ओवरऑल वेट की, तो जो इन दोनों का वेट है, हॉकिंस नॉन स्टिक प्रेशर कुकर का वेट है 1121 ग्राम, और वहीं पर स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर का वेट है 1338 ग्राम। उसमें जो ये स्टील का वेट है थोड़ा सा ज्यादा है, वहीं पर नॉन स्टिक का थोड़ा सा हल्का है। दोनों में ही आपको हैंडल मिलता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। नॉन स्टिक में आपको रिवेटेड ज्वाइंट देखने को मिलता है, जिससे ये काफी टाइट हो जाता है। वहीं पर बात की जाए स्टेनलेस स्टील में, तो स्टेनलेस स्टील में आपको रिवेटेड ज्वाइंट नहीं मिलता, इसमें आपको डायरेक्ट वेल्डिंग मिलती है, तो ये कभी भी लूज नहीं होगा। और वहीं पर बात की जाए इसमें, अगर आप इसको लंबे समय तक यूज करेंगे तो इसके लूजनेस होने के चांस है, बट दोनों ही बेस्ट हैं। आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हो। दोनों में ही आपको रेगुलेटेड वॉल्व मिलता है जो कि काफी हाई क्वालिटी का है। और आप बात करते हैं इनके कैपेसिटी की, तो इसमें आपको ये जो स्टेनलेस स्टील का है इसमें आपको 1.5 लीटर से लेके 10 लीटर तक की कैपेसिटी के प्रेशर कुकर मिल जाएंगे। अभी जो आप देख रहे हैं ये है 3 लीटर का, और इसका जो माउथ है वो वाइड है, और इसमें टॉल में भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है। तो अगर आपको इसका प्राइस चेक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया है और कमेंट बॉक्स में, वहां से जाके आप इनका प्राइस चेक कर सकते हो। अब मैं इस हॉकिंस ब्रांड के स्टेनलेस स्टील कुकर में दाल पकाऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर के ढक्कन में लगे सीटी के पास से भाप के साथ दाल भी लीक हुआ है, जो कि ओवरफ्लो के कारण हुआ है। इसलिए अगर आपको 3 लीटर तक पकाना है तो आप 4 लीटर कैपेसिटी का कुकर खरीदें, इससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कम कैपेसिटी का खरीदते हैं तो इसमें लीकेज होने के चांस ज्यादा रहते हैं।
अगर बात की जाए नॉन स्टिक में, तो इसमें आपको 1.5 लीटर से लेके 6.5 लीटर तक की कैपेसिटी के प्रेशर कुकर अवेलेबल हैं। नॉन स्टिक में अगर आप इसको डायरेक्ट गैस पर यूज करते हैं हाई फ्लेम पर, तो आपको इसकी जो बॉटम लेयर है यहाँ पर आपको हल्के फुल्के बर्निंग के निशान देखने को मिल सकते हैं। हॉकिंस के इस नॉन स्टिक मॉडल के प्रेशर कुकर में आपको इंडक्शन सपोर्ट नहीं मिलता है। इंडक्शन सपोर्ट वाला चाहिए तो आपको इसका अलग मॉडल लेना पड़ेगा। बट मैं इसका यूज आपको गैस पर करके दिखा देता हूँ। इसमें मैं राइस को पकाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो राइस अच्छे से पक गया है और इसकी सीटी में से कोई भी लीकेज नहीं हुआ है। अगर आपको इंडक्शन सपोर्ट वाला चाहिए तो एक इसका अलग मॉडल आता है, उसको आपको परचेज करना होगा, जो कि इंडक्शन और गैस दोनों पर सपोर्ट करेगा। जब भी इस नॉन स्टिक प्रेशर कुकर में आप कोई फूड को फ्राई कर रहे हो तो कभी भी आप मेटल का स्पैचुला यूज ना करें। इसमें आप नॉर्मल वुडन का यूज कर सकते हैं या सिलिकॉन का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इसके अंदर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। अगर स्क्रैचेस ज्यादा आ जाते हैं तो ये जो लेयर है, जब ये लेयर निकलना शुरू हो जाएगी तो ये आपके फूड में आएगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है। इसलिए इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगर इसके अंदर की नॉन स्टिक लेयर कुछ समय बाद छूटने लगे तो आपको नया बर्तन खरीद लेना चाहिए। अगर आप इसका ही यूज करते रहेंगे और नॉन स्टिक उसमें छूट रहा है तो वो धीरे धीरे आपके फूड में जाएगा और हेल्थ के लिए आपके काफी खतरनाक हो सकता है। वहीं पर स्टेनलेस स्टील में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सेम टू सेम मेंटेन रहेगा। अगर बात की जाए क्लीनिंग या सफाई की, तो इसमें जो ये नॉन स्टिक है ये इजीली साफ हो जाता है। वहीं पर स्टेनलेस स्टील में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टील के कुकर में जलने से जो दाग धब्बे आ जाते हैं, इसको सिर्फ आप 5 मिनट में पीताम्बरी पाउडर का यूज करके पहले की तरह नया और चमकदार कर सकते हैं। पर आपको नॉन स्टिक में एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आप इसको आयरन या स्टील वाले स्क्रब से बिल्कुल ना साफ करें। इसको आप नॉर्मल स्क्रब से साफ करें, जो कि फोम से बना होता है या प्लास्टिक से बना होता है, इजीली ये साफ हो जाएगा। और इसको आप किसी भी स्क्रब से साफ कर सकते हैं। और दोनों की ही जो लीड है वो सेम है, स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। और जो इनकी लीड है इसमें आपको सेफ्टी वॉल्व देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन मिलता है, तो इसलिए ये अच्छी तरीके से वर्क करती हैं। बिल्कुल प्योर स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, अगर आप लंबे समय तक यूज करना चाहते हो तो आप इस स्टेनलेस स्टील को खरीदें। अगर आप थोड़े समय के लिए यूज करना चाहते हो, नॉर्मल यूज करते हो, नॉर्मल कुकिंग करते हो, ये नॉन स्टिक कुकर का यूज कर सकते हो। कंपनी आपको दोनों में ही 5 ईयर की वारंटी देती है, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो। अब मैं आपको डिसएडवांटेज डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आप इसका हाई फ्लेम पर यूज करेंगे तो यहाँ पे जलने के पैचेस देखने को मिलेंगे। और जो स्टेनलेस स्टील का डिसएडवांटेज है, इसमें आपको थोड़ी सी क्लीनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी और इसमें थोड़ा सा ऑयल का कंजप्शन ज्यादा होगा। और यहाँ पर ऑयल का कंजप्शन कम होगा क्योंकि ये नॉन स्टिक है, तो इसमें ऑयल स्टिक नहीं करेगा ना तो बर्न करेगा। ओवरऑल बात की जाए तो आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज से मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।